वीना मलिक ने किया बड़ा खुलासा, बताया कि बच्चों के सामने ही पति करता था ऐसा काम। बॉलीवुड एक्ट्रेस के लाइफ स्टाइल और उनके जीवन के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रेस वीना मलिक के बारे में बताना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम आपको वीना मलिक की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्सों से रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि वीना मलिक अपने पति असद खटक से अलग हो चुकी है, यानी उससे तलाक ले चुकी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी शादी 2013 में ही हुई थी। इस बारे में वीना मलिक का कहना है कि ये फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था। इसके साथ ही वीना ने कहा कि ये शादी उन्होंने केवल खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए भी तोड़ी है। जी हाँ, दरअसल जिस माहौल में वीना के पति रहते थे वहाँ उनके लिए अपने बच्चों को सही परवरिश देना नामुमकिन था। इसके अलावा वीना ने बताया कि उसके पिता ने ही असद को उसके लिए चुना था और इस रिश्ते से वो काफी खुश भी थी, क्योंकि असद बहुत ही लविंग केयरिंग और कामयाब व्यक्ति थे। हालांकि इसके बाद वीना ने बताया कि शादी से पहले तो सब सही था, पर शादी के बाद सब कुछ बदल गया। वैसे आपको बता दें कि वीना का कहना है कि असद के जुर्म शादी वाली रात ही शुरू हो गए थे। जी हाँ, वीना के पति असद ने उनसे कहा कि वो घर से बाहर कहीं नहीं जा सकती और घर में खाना पकाने से लेकर साफ सफाई तक सारे काम उन्हें ही करने होंगे। ऐसे में वीना ने भी असद के प्यार के हाथों मजबूर होकर उनकी सारी बातें मान ली, मगर वक्त के साथ उनका रिश्ता ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। वीना ने बताया कि असद बेवजह ही उन पर चिल्लाते और उन्हें गाली देते थे। ऐसे में वीना ने सोचा कि अगर घर में एक बच्चा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मगर वीना के पति असद ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए और ये सुनकर वो हैरान रह गई। हालांकि वीना ने भी अबॉर्शन करवाने से साफ मना कर दिया था। गौरतलब है कि वीना और असद के दो बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा अब्राम और दूसरी बेटी हमाल है। मगर दो बच्चे होने के बाद भी जब असद नहीं सुधरे तो वीना ने अपने पिता से इस बारे में बात की, मगर वीना के पिता ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर वो कहते हैं न कि जो एक बार बिगड़ जाए वो कहाँ ठीक हो सकता है। जी हाँ, असद का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने वीना को लगातार मारना पीटना शुरू कर दिया था। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि असद शराब भी नहीं पीते थे और फिर भी ऐसी हरकतें करते थे। इसके बाद वीना ने कहा कि उनका बेटा अपनी माँ को रोज गाली खाते हुए सुनता था और इसका उस पर बुरा असर पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने तलाक लेना ही ठीक समझा।